चार विमान हादसे में शहीद हुए विंग कमांडर साहिल गांधी का पार्थिव शरीर वीरवार यानी कि आज हिसार के एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पूरे सम्मान के साथ शहीद के पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट पर उतारा गया और उनके घर लाया गया। इस दौरान शहीद को श्रद्धांजलि देने आए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शहीद साहिल गांधी के बेटे ने अपने पिता के पार्थिव शरीर को नमन किया। शहीद के पार्थिव शरीर को देख परिजनों की आंखें आंसू से भर गई। शहीद कमांडर साहिल गांधी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। शहीद के बेटे ने अपने पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। इस दौरान पूरा माहौल साहिल गांधी अमर रहे के नारों से गूंज उठा। हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, सांसद दुष्यंत चौटाला, एयरफोर्स व प्रशासनिक अधिकारियों सहित शहर के गणमान्य लोगों के अलावा भारी संख्या में शहर के लोगों ने पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि दी। बता दें, बेंगलोर में 20 से 24 फरवरी को होने वाले एयर शो के लिए पूर्वाभ्यास चल रहा था। इसी अभ्यास के दौरान दो विमान आपस में टकरा गए। इस हादसे में दो पायलट घायल हुए थे, जिसमें विंग कमांडर साहिल गांधी की मौत हो गई। न केवल हिसार बल्कि पूरा हरियाणा गौरव महसूस करता है और अफसोस भी करता है। हमारे देश का जवान, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का पिता, जो सीमाओं के प्रहरी हैं और सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अनेक प्रकार की प्रैक्टिस भी उनको करनी पड़ती है और जान को जोखिम में डालकर वो ये सब काम उत्साह से करते हैं। ऐसे में हमारे हिसार के ही एक बेटे साहिल गांधी जी एयर शो की प्रैक्टिस के दौरान परमपिता की इच्छा अनुसार ये अपनी जीवन यात्रा पूरी करके वैकुंठ धाम को गए। मैं अपनी ओर से, हिसार का विधायक होने के नाते, हिसार के जनजन की ओर से और स्पेशली माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मुझे यहाँ, हालांकि विधानसभा का सेशन चल रहा था, तो स्पेशली मुझे भेजा उनकी तरफ से, हरियाणा सरकार की ओर से, पूरे हरियाणा की जनता की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, पुष्पांजलि देता हूँ। घटना में हमारे बीच से चले गए देश के लिए काम करने वाले ऐसे नौजवानों को शत शत नमन। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला हिसार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जैसा हमारा देश की संस्कृति है, इस युग की घड़ी में पूरा देश परिवार के साथ खड़ा है। आई वांटेड टू बिकम एन एयरफोर्स ऑफिसर और पायलट पर्टिकुलरली। आप हाँ जी, की उम्र से ही बच्चे को साहिल गांधी को के दिमाग में ही एयरफोर्स में, वो भी पर्टिकुलरली पायलट लाइन में जाने की इच्छा थी। परिवार ने थोड़ा सा, क्योंकि उन दिनों में कंप्यूटर एरा था, अच्छे अच्छे बच्चे, मेरिटोरियस बच्चे कंप्यूटर की तरफ आकर्षित थे, लेकिन ही ऑप्टेड टू ज्वाइन एयरफोर्स थ्रू NDA आफ्टर डूइंग इज ए प्लस टू के बाद ही फर्स्ट अटैम्प्ट में ही गॉट सेलेक्टेड एंड ज्वाइन दी NDA। और 2004 से 2019 कह लो, अब लेटेस्ट आज तक, मतलब वो NDA के थ्रू जाके अपने बहुत अच्छे, उनकी परफॉर्मेंस भी रही और जितने भी एयर शो थे, तो अनफॉर्चुनेट वक्त था, अदरवाइज तो बहुत से एयर शो उन्होंने ऑलरेडी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रथम तहलका।